अस्सलाम वालेकुम। ये मामला आजकल कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनीज आई हुई है, पेटीएम हो गया या यूपीआई की जो कंपनीज होती है, उनका एक मामला होता है। उनका असल बिजनेस होता है एडवर्टाइजमेंट में और तशहीर पे उनका सारा बिजनेस बेस्ड होता है। वो लोग ऑनलाइन चीज़ें बेचते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उस पर उनका बिजनेस होता है। तो वो लोग इंसेंटिवाइज करते हैं अगर हम उनके थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे, मतलब वो लोग अगर हम लोग उनके थ्रू, जैसे अभी मैं जब यहाँ आया तो मैंने जो फीस भरी काउंटर पे वो मैंने एक यूपीआई ऐप के थ्रू भरी, मैंने कैश नहीं भरा, तो वो लोग उसके बदले कुछ कैशबैक देते हैं, 100 रुपया 150 रुपया, अगर मैंने 10,000 बढ़ाया तो 150 रुपया कैशबैक मिलता है। तो उस कैशबैक को लेना कैसा है, और इसी से मिलता जुलता ये सवाल है कि ऑनलाइन जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आपने बताया कि अगर वो मीडिएटर है, एजेंट है, मजदूरी के तौर पर वो बेच रहा है चीज़ें अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह, तो वो जायज हो सकता है, तो वो लोग भी कभी कभी कैशबैक देते हैं, तो उनका भी लेना कैसा है? देखिए, अभी जो आखिरी रिवायत हमने पढ़ी है, एक बार फिर से उसको निगाह में दौड़ाइए और इसका जवाब तलाश करें। अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबी वल्फ़िज़्ज़तु बिल्फ़िज़्ज़ति अलहदीस, सोना सोने के बदले में, चांदी चांदी के बदले में। अगर पैसा पैसे के बदले में है तो दो शर्त ज़रूरी है, हैं? पैसा पैसे के बदले में है तो क्या ज़रूरी है? दो चीज़ें ज़रूरी है, बराबर होना ज़रूरी है और हाथों हाथ होना ज़रूरी है। तो ये जो ट्रांजेक्शन का मामला आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे जिस सहूलत को अपनाते हुए की जा रही हो, पेटीएम हो या जो भी हो, अगर 5,000 हमने किया और वो 5,000 हमारे अकाउंट से कटा और वहाँ पहुँच गया, सेम 5,000 कटा, 5,000 पहुँच गया, सही है, कोई हर्ज की बात नहीं है, पर उस पर 100 रुपये कैशबैक आए, इसी का नाम सूद है। पैसे पैसे के बदले में सेम सेम, 5,000 कटा हमारे अकाउंट से और सामने वाले के यहाँ वो 5,000 गया, सही है, इस हद तक तो ठीक है, पर 100 रुपये जो आ रहे हैं किस चीज़ के बदले में, ये है दरअसल सूद, जिससे हमें बचना है। अगर 5,000 का हम कुछ सामान ख़रीदते हैं, सामान हमने ले लिया और 5,000 का सामान लेने के बाद 200 रुपये का कैशबैक आया, ये सही है, ये सही है, क्योंकि हमने सामान ख़रीदा है, हमने पैसे से सोना या चांदी नहीं ख़रीदा है, हमने पैसे से पैसा नहीं ख़रीदा है, पैसे से हमने पैसा नहीं लिया है, बल्कि पैसे से हमने सामान लिया है, तो सामान में अगर कैशबैक आता है तो कोई हर्ज नहीं, उसके कम और ज़्यादा होने में कोई हर्ज नहीं, चाहे जितने कम में बेचे चाहे जितने ज़्यादा में बेचे, अगर हमें पसंद है तो ले लिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन सुबह जो लड़ाई हुई थी वो उसको याद रख करके पैसे उतने का सामान मिल गया है ना, तो उसी को मैंने कहा कि सामान लेने में कमी बेशी जायज़ है, 5,000 में दे रहे हैं या 4,900 में दे रहे हैं कोई हर्ज नहीं, सामान में कम कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। मैंने बस की टिकट खरीदी 2,000 रुपये, 200 रुपये वापस आ गए। हमने टिकट खरीदा, पैसा पैसे के बदले में नहीं है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, इसको हमेशा जहन में रखें कि अगर जिंस, एक जिंस है सोना चांदी और दूसरा जिंस है बकिया सामान, तो सोना चांदी के बीच में और सोना चांदी ही में से रुपया पैसा भी है, अगर इनका आपस में तबादला होता है तो कमी बेशी नहीं, फिर उसके अंदर कमी बेशी नहीं, लेकिन एक तरफ सोना है, चांदी है, रुपया है और दूसरी तरफ सामान है, कोई भी सामान हो, तो चाहे जितना कम हो चाहे जितना ज़्यादा हो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कभी भी इंस्टॉल करते तो कैशबैक आता है, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं।